बनाएंगे, और जैसे दर्द दर्द के लिए ये गोली है तो हमारे पास दर्द के लिए ये पॉइंट है, एकदम सिंपल ढंग से बता रहा हूँ। तो इस ढंग से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी मेरे पास घुटने के मरीज है, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब घुटने में ऑयल कैसे बनेगा, ऑयल तो कम हो चुका है। सही बात लेकिन भाई घुटने में आप जब से पैदा हुए हो रोज उठ के कोई पैराशूट का तेल नहीं डाला आपने घुटने में ताकि वो अच्छा रहे, लेकिन आपका शरीर खुद ही उसके अंदर ऑयल बना रहा है। बनाता रहेगा। अभी वो अंदर की पेशियां काम नहीं कर रही, तो उसको क्यों काम नहीं कर रही ये जानकर उसको इलाज देना जरूरी है। आप खाली पेन किलर खाओगे तो क्या होगा, पेन किलर से आपके घुटने का दर्द मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा, बस मस्तिष्क नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो आपके घुटने के अंदर का जो गादी रहता है वो घस के समाप्त हो जाता है, फिर बिल्कुल आपको एक महंगे रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। इसके पहले अगर आप जान लेते हो कि मुझे घुटने में दर्द है और इसका कायम कुछ उपाय करना है तो इसमें ऑयल बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें हाँ ये एक एक्यूपंक्चर उपचार पद्धति है जिसमें घुटने के अंदर जो मौजूद जो पेशियां है जो ऑयल बनाती है उसमें ऑयल बना के उसमें हम लोग घर्षण कम करा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक सीधे सरल स्वरूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूपंक्चर काम कैसे करता है। एक आध बिल्कुल नस बंद हो जाती है, नस का प्रवाह कम हो जाता है, तो उसमें मान लो एक नस मतलब मान लो एक पाइपलाइन है जिसमें बराबर से पानी बह रहा है, अगर उसमें ब्लॉक हो जाता है तो पीछे पानी जमा हो जाएगा, आगे का खाली रहेगा। खाली रह जाएगा। आगे जो खाली हिस्सा है आप समझ लीजिए, हो सकता है वहां पे आपको दर्द हो रहा है, हो सकता बिल्कुल है वहां पे झंझनाहट हो रही है, सूनापन हो रहा है, हो सकता है कि पूरा खाली हो गया तो मतलब पैरालिसिस हो गया है, पैराशूट है और बिल्कुल पीछे सारा का सारा पानी पीछे है, बराबर आपकी फसल आगे की पूरी सूख पूरी रही सूख है, रही है और तो पीछे यहां से पानी आपको जो करना है यहां बिल्कुल से कचरा हटाना है। आप क्या करोगे, टेम्पररी अगर आप चार लोग लगाओगे और वो पानी डालेगा तो ये हमेशा के लिए नहीं नहीं है मुमकिन है, नहीं है नहीं कभी है ना कभी और आप धोखा खा जाओगे, बीमारी आपको होगी। बिल्कुल इससे अच्छा वो कचरा हटाने के उपाय करो। बिल्कुल कचरा हटाने के लिए एकदम सिंपल स्वरूप से कहूंगा, ये जो हमारे शरीर के उपस्थित जो एक्यूपंक्चर बिंदु है ये एक वो पाइपलाइन के ऊपर का मान लो एक बिन है, एक ढक्कन है, उसको खोलेंगे अंदर सुई जैसे एक बारीक निडल डालेंगे और उससे वो हटाएंगे ताकि वो फिर से फिर बहना से शुरू हो बहना जाए, शुरू हो जाए। ताकि फिर से वो जो मौजूद भाग है जिसमें ताकत नहीं है उसमें फिर से ताकत फिर से आने पनपे, या फिर उसमें सूनापन है कोई दर्द है तो वो मिटे, इस ढंग से ये किया जाता है। तो एक्यूपंक्चर यह बहुत सरल उपचार पद्धति है, लेकिन इसका अभ्यास जितना हम लोग सरलता से समझ रहे हैं लेकिन इसका अभ्यास बहुत ही कठिन है। कठिन जैसे साइंस में केमिस्ट्री का विषय होता है ये इतना कठिन है। इसमें हमेशा जो एक्यूपंक्चर तज्ञ हमेशा उपचार में रहेगा रुग्णों से लेके उससे हमेशा जुड़ा रहेगा तब तक के वो सब समझ पाएगा कि ये बिंदु है, अन्यथा ये पूरा भूल जाता बिल्कुल है आदमी। बिल्कुल इस ढंग बिल्कुल का एक सही उपचार बात पद्धति है। तो इसमें बार बार मैं भी 15 साल से हर महीने लगभग लगभग मैं कहता हूं कि मेरे 500 से 1000 पेशेंट हो जाते हैं चेक करके, तो इतने जो पेशेंट से इसमें रहता हूं तो मेरे मुझे भी उसमें पता अनुभव के से ऊपर अनुभव आते जा रहा है, आता जा रहा क्योंकि है अपने देश में एक नई उपचार पद्धति है। बिल्कुल जब तक उसके ऊपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तब बिल्कुल तक उसमें उतने उच्च स्थान पर चाइना में जैसे जा चुके हैं लोग वहां पे जाना मुश्किल होगा। बिल्कुल अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, बम्बई में काम कर रहे हैं, सूरत में यहाँ पर कंसल्टिंग के लिए आता हूँ, औरंगाबाद में एक बड़ा उपचार केंद्र है वहां पे कॉलेज भी है इसका, ओके हमारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का यूजीसी के हमारे पास ओके हम्म। उसके अभ्यासक्रम है, तो इस माध्यम से हम इसको बढ़ा रहे हैं। और बराबर मुझे बहुत खुशी होती कि आज फॉरेन से अपने यहाँ लोग आने लग गए हैं इलाज के अमेरिका लिए, बहुत क्योंकि इनको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंडिया में भी एक्यूपंक्चर अभी काफी उच्च स्तर पर जा रहा है, गवर्नमेंट का भी अच्छा योगदान रहा है। 2003 में गवर्नमेंट ने एक्यूपंक्चर को मान्यता दी है डॉक्टर्स के लिए और प्रॉपरली ट्रेन पर्सनल के लिए काम करने के लिए। अभी नए नए स्टेट्स में धीरे धीरे काउंसिल फॉर्म होती है, पिछले ही मैंने एक्यूपंक्चर की काउंसिल महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट लेवल पर स्थापित होने जा रही है, बिल्कुल उसमें रजिस्ट्रेशन सारा। तो अभी ये उपचार पद्धति बहुत फैलने वाली है और इसका जो उपयोग है जो जन सामान्य नागरिक है जिनके तरफ गया नहीं है उनको सबको इसका प्रचलित होगा और वो भी इसके बारे में जान के ज्यादा से ज्यादा इसका भी फायदा ले सकेंगे। बिल्कुल। सचिन जी एक क्वेश्चन, आपने जब चाइना की बात की तो मैं पूछना चाहूंगा कि बेसिकली ऐसी जो भी उपचार पद्धतियां जो बिना ही दवा के होती है वो वहां पर या चाइना या जापान या अमेरिका में सब जगह डेवलप हुई है, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला और चाइना में और हमारे यहाँ बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्यों वहां के लोग ऐसी पद्धतियों के बारे में ज्यादा विश्वास करते और हमारे यहाँ नहीं करते?
हमारे